अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और अभी छोटी है, इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और साथ में हम बनाएंगे दाल। तो जल्दी से बस आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। और इसमें मैंने प्याज को ब्राउन करने के बाद टमाटर, हरी मिर्चें और हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस थे सब मैंने ऐड कर दिए हैं। और अच्छी तरह से मैं इसे भूनूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हमें अच्छी तरह भूनना है। इसके बाद हमें थोड़ी सी इसमें एक चम्मच भर के मेथी डालनी है, खुश्क मेथी। उससे टेस्ट ऑफ फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आता है। तो उसके बाद बस ये दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और आलू ऐड कर दूंगी, ठीक है। आलू को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे भूनूंगी। और जब तक के आलू इसी पानी में गल नहीं जाते तो मैं इसे थोड़ा सा 5 मिनट तक भूनूंगी। और इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डालने के बाद मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी और ढाँक दूँगी, ठीक है ना। तो और आप लोग सुनाइए, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में। भाई यूट्यूब पे अभी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत कम हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हो जाएंगे, फैमिलीज़ हो जाएंगे, सब मुझे जानेंगे। तो बस इसी तरह से हम एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी बाउंडिंग परफेक्ट बनाएंगे और मिलते रहेंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ क्रीमी पास्ता। तो मैंने इसके लिए क्रीमी सॉस रेडी कर ली है। मैंने पहले मैदा भूना था, उसके बाद मैदा भूनने के बाद मैंने इसमें दूध और क्रीम ऐड कर दी है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली थी, अब मैं इसमें सारे सॉसेज ऐड करूँगी और काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। तो और इसके बाद नमक और मिर्च जो भी आप डालेंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो बस ये हम सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर ऐड किया है और साथ में मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। बस हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और जब तक ये एकदम ठीक हो जाता है उसके बाद हम इसमें बैक पाउडर का पास्ता ऐड कर देंगे और फिर क्रीमी मज़ेदार क्रीमी पास्ता रेडी हो जाएगा। बस ये मैंने बॉईल कर लिया था ऑयल डालने के बाद, और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर दूंगी और फिर मज़े से खाते हैं। यहाँ क्रीमी पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। और मैं चिकन का मैंने टिक्का बनाकर रखा था अलग से, वो मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से। और बस ये बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। और जिसे खाना है मेरे साथ आ जाइए। चिकन टिक्का वाइट सॉस पास्ता रेडी है और बहुत मज़े का बना है। अभी मैं इसे ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कैसा बना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ मैं बना रही हूँ खड़े मसूर की ब्लैक वाली दाल। और ये बहुत टेस्टफुल होती है, मज़ेदार बनती है। इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल के बस इसे गला लिया था और पानी डाल के मैंने अच्छे से इसे पका लिया है। अब बस मैं इसका भगार लगा रही हूँ कड़ी पत्ते के साथ और ज़ीरे के साथ। तो बस कड़ी पत्ता ब्राउन हो चुका है और मैं इसे दाल में डाल दूंगी भगार को। और बहुत मज़े की खड़े मसूर की दाल रेडी हो गई है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए थी, और ज़्यादा ये पतली अच्छी नहीं लगती, तो मैंने थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखा है। और साथ में बनाया है मैंने प्लेन ज़ीरा राइस, और ये भी बिल्कुल दम हो चुके हैं, दम दमा दम हो चुके हैं। तो बस हम बनाएंगे अब सैलेड और अपना करेंगे लंच, ठीक है। मज़ेदार दाल चावल रेडी हो गए हैं। दाल को बहुत
अच्छे से गलाना है, और इसमें आप चाहें तो अचार और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ मैंने ये कचूमर बना लिया है, सलाद रेडिकली कुछ लोग कचूमर कहते हैं, कुछ लोग सैलड कहते हैं, तो बस मैंने ये बना लिया है, बहुत मज़े की बनी है सैलड। तो बस हम चावल निकालते हैं, उसी पे मैं दाल डालूंगी और साइड में डालूंगी अपनी सलाद। ये देखो, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी यहाँ प्लेट बना ली है, और देखने में तो कितने मज़े के लग रहे हैं दाल चावल, और इसमें लेमन और अचार का जो टेस्ट होता है वो बहुत इन्हेंस होकर आता है और बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो उससे भी कलर यानी इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट और मज़े का बन जाएगा। तो बहुत मज़े के बने हैं, बिलीव मी बहुत मज़े के दाल चावल बने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, बाय बाय।